पहुंचना मेरा मन उड़ रहा है किसी के इंतजार में किसी के प्यार में एक सेकेंड Are you all right, Timmy भाभी? क्या हो गया है? और क्या सब ठीक ठाक तो है ना शादी हो गई है आपकी Whatever. हाँ ठीक है ना ये सब बातें ना आपको शोभा नहीं देती और ये जो प्यार व्यार का भूत सवार हो गया ना आपके दिमाग में उतारिए उसको वैसे जैज मैं एक बात बोलूँ इस बात पर लव ना कभी भी किसी से भी हो सकता है और टिमी भाभी आपको किससे लव हुआ है कौन है वो लकी मैन जो अनलकी होने वाला है ओहो मेरी पोली पाबियो देखा ना आप लोगों को मैंने बेवकूफ बना दिया मैं एक्टिंग कर रही थी एक्टिंग देखा मेरा एक्टिंग का टैलेंट मैं सोच रही थी कि मैं चेक तो करूं कि हाउ गुड आई एम इन एक्टिंग शैक्टिंग और आप लोग ना मेरे सामने वैसे भी कुछ लगते तो नहीं हो बट एक्टिंग में आप लोग तो जबरदस्त हूं और इस बार ना मुझे बॉलीवुड में ना अपना डेब्यू देने से कोई रोक नहीं सकता अच्छा तो फिर बॉलीवुड का बाड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता अब बॉलीवुड का क्या होगा जेलस अरे अब समझ आया मुझे कि क्यों चल रही है ये रिहर्सल अरे शिल्पा भाभी वो न्यू ईयर नहीं आने वाला अच्छा। उसके लिए सोसाइटी में ना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है तो सारे लोग अपना नाम दे रहे हैं तभी तो टिम्मी भाभी भी अपना नाम देने गई थी और अपने फेवरेट परफॉर्मर के गेटअप में डांस करना है तो अच्छा। जिस स्टार के परफॉर्मेंस में करेंगे ना वो डांस उसका भी नाम देना है अच्छा जैस पता है मैं तो थी ही नहीं यहाँ पर अब तुमको तो पता ही ना मेरे हस्बैंड को बाहर घूमने का कितना शौक है तो कभी मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं कभी कहाँ लेके जा रहे हैं तो मुझे टाइम ही नहीं था वैसे मैं एक बात बोलूँ बताइए प्रोग्राम ना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और मैं भी ना अपना नाम दे ही दूंगी और अब ये देखना ये जो शिल्पा है ना ये श्रीदेवी बनकर कैसे आएगी और सबकी हवा हवाइयाँ उड़ा देगी तो फिर देख लेते हैं आ देखें जरा किस में कितना है दम जम कर रखना कदम मेरे साथिया और शिल्पा भाभी और इस पूरे कंपटीशन में आपकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर होगी टिम्मी भाभी रियली और मुझे लगता है आपको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आई अंडरस्टैंड बट ये जो टिम्मी है ना इसके तो अंदर कूट कूट के भरी हुई है एक्टिंग देखेंगे प्रोग्राम में कौन किसको पछाड़ेगा हाँ ओफो कोई जैस से भी तो पूछ ले टिमी भाभी इतना चटर बटर करती है ना कि बस जैस की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हो खून में मेरे एक्टिंग है आई बड़ी एक्टिंग वाली जैस तुम और मैं ना एक साथ इस प्रोग्राम की तैयारी करेंगे और कॉस्ट्यूम भी ना बिल्कुल जो हमारे फेवरेट स्टार है ना वही वाला लेंगे और मुझे तो अभी से श्रीदेवी जैसी फीलिंग आ रही है कर लो एक साथ प्रैक्टिस मेनू की फर्क पैंदा है इस पंजाबन नू ना कोई फर्क नहीं पैंदा और मैं टिम्मी भाभी करोड़ों पे ना हावी हूँ मैं और आप दोनों आधे आधे कर लो एक साथ प्रैक्टिस इस बार मैंने रवीना टंडन के गेटअप में जो कौन सा गाना है वो तू चीज बड़ी है मस्त मस्त में टिम्मी बड़ी है मस्त मस्त में क्या परफॉर्मेंस करना है चीज बड़ी है मस्त एक्सक्यूज मी कोई मेरी बात सुनिए मैं बड़ी देर से चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे में एक्टिंग का टैलेंट नहीं है ठीक है दूर दूर तक ना मशहूरियां फैली है मेरी एक्टिंग की टैलेंट की बताओ मैं क्या हुआ था क्या मेरी शादी पे जब मेरे रिश्ता लेकर आए थे ना मेरे ससुराल वाले तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था गाना गा के दिखाओ चल के दिखाओ उन्होंने कहा था एक्टिंग करके दिखाओ और ऐसी एक्टिंग करी थी ना एक मिनट में मेरे हस्बैंड ने मुझे पसंद कर लिया बेहोशी में मैं ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ हर दिल पे छाई कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई क्या हो गया आपको शिल्पा भाभी जैस मुझे लग रहा है कि श्रीदेवी मेरे अंदर आ गई है एकदम इतनी एक्साइटमेंट फील हो रही है मुझे कंट्रोल योर इमोशन शिल्पा भाभी ठीक है मौका मिलेगा सबको मिलेगा बराबर मौका मिलेगा तुम जल रही हो जैस मैं जल नहीं रही हूँ शिल्पा भाभी मैं आपकी दोस्त हूँ ना मुझे तो आप ना एक्टिंग क्वीन कम ड्रामा क्वीन ज्यादा लग रही है ड्रामा क्वीन वैसे मुझे गाना याद आ रहा है कौन सा तुम सा जेलस दुनिया में ना देखा कोई और वहां पर जैस के दिल की बात आ गई एकदम ठीक कोई गाना नहीं है ये मैं तो ये कहती हूँ ये जो अपना गोरा रंग और खूबसूरती में ना इतना घुमा ना कर क्योंकि गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा हाय हर बात पे टिम्मी के गाने इस बार टिम्मी को कोई रोक नहीं सकता कोई तो रोक लो क्या हो गया इनको बुखार बुखार तो नहीं चढ़ गया दिमाग पर लग रहा है चेक करूं बुखार ही चढ़ गया पता है आप दोनों को मैं एक बात बताना तो भूल ही गई कौन सी
कि हमारी सोसाइटी के इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट पता है कौन आ रहा है? कौन? फराह खान सच में? ओए होए, इस बार बॉलीवुड डेब्यू के लिए ना टिम्मी भाभी को कोई रोक नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे तो कहना पड़ेगा, है तैयार हम, है तैयार हम। अब मुझे ना इतनी तैयारियां देखकर ऐसा लगने लगा है कि शिल्पा, टिम्मी और जैज तीनों का ही डेब्यू होने वाला है बॉलीवुड में। आप दोनों का हो गया, चलो मैं तो चलती हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि वैसे आप दोनों मेरे सामने कैसे टिकती हैं इन परफॉर्मेंस में। मैं सारे परफॉर्मेंस की और आप दोनों की छुट्टी करने वाली हूँ, तो चलिए मैं तो चल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ठीक है? और मुझे परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस भी करनी है। और एक सेकेंड, मैं तो बताना भूल ही गई, विश यू ऑल द लक। तुम दो चार दिन की वैसी छुट्टी लो और मेरे साथ मत बैठो। और देखते हैं प्रोग्राम में कौन किसको पछाड़ेगा।